लेक्चर नंबर 6 ऑफ मीन्स वॉइस का आपका मॉडल लग्जरी ऑफ कैसे बनाओगे क्यों इसके बारे में देखेंगे। और प्रीवियस लेक्चर की वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों को सब यूट्यूब अपलोड कर चुका हूँ, आई होप सभी लोग देख लिए होंगे। और जो लोग नहीं देख लिए देखे होंगे जो उचित वो सब यूट्यूब पर जाकर मैंने देख सकते हैं। अगर किसी को डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हो। उस प्रकार की वीडियो में अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए किसी प्रकार का किसी प्रकार कुछ डाउट रहेगा तो भी आप पूछ सकते हो। ओके लेट अस स्टार्ट फॉर स्टडी टुडे। आज के लेक्चर वीडियो में आप क्या देखोगे मॉडल फैक्ट्री वाइज मॉडल ऑफ आपको पता रहेगा मॉडल फ्यूजिवल क्या होता है। कैन रहेगा कूड रहेगा बिल रहेगा गुड रहेगा सह रहेगा सूट रहेगा मे रहेगा माइट रहेगी मस्ट रहेगी आउट रहेगा। ओके कैन कूड बिल गुड सह सूट मे माइट मस्ट आउट। ओके एग्जाम्पल में आप लोगों को मॉडल विजी बना के देता हूं क्या क्या है मॉडल विजी आपका कैन रहेगा कैन कूड जैसा लिख देता हूं कैन रहेगा कूड रहेगा बिल बिल रहेगा कैन कूड बिल गुड सेल सूड में माइट मस्ट आउट ऐसा आपका क्या है मॉडल फैक्ट्री वर्क। ऑलरेडी मैं मॉडल फैक्ट्री वर्क चाहिए आप लोगों को एक्सप्लेन करके दे चुका हूँ यूट्यूब पर। मैंने बस एक्टिव वर्ब स्पेशल पर नहीं दिया उसके बारे में आपको जो सेंटेंस होता है सेंटेंस एक्टिव कैसे एक्सप्लेन करते हैं ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि मॉडल ऑफ फैक्ट्री वर्क क्या है। वो चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ वो चीज आप देख भी सकते हो। आज की लेक्चर वीडियो आपका मॉडल कैसे मतलब कन्वर्ट करोगे। तो पहला आपका जो है मॉडल आपको पता होना चाहिए मॉडल ऑब्जेक्ट है क्या कैन रहेगा कूड रहेगा विल रहेगा वुड रहेगा सेल रहेगा सूट रहेगा मे रहेगा माइट रहेगा मस्ट रहेगा आउट रहेगा। ओके अच्छी आज की लेक्चर वीडियो में जो आप देखोगे ना मतलब आपका जो सिंपल सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस रहेगा डबल इंडिकेटिव और ये कैसा आप एक्टिव को पैसिव वाइज बनाओगे। तो एग्जांपल में आप लोगों को बता के देता हूं आई होप ये चीज आपका सबका हो गया रहेगा। ओके तो जब आप एक्टिव पे अगर ये चीज देख रहे हो ना आप ओपन इन नोटबुक एंड ये चीज आप पूरा अच्छे से लिख भी लो आप अपना जब एक्टिव आप चालू करोगे मेरे का ग्रामर का तो आप अपना नोटबुक को पेन अपने साथ में रखो जो चीज आप लिख सकते हो आपको इजी पड़ेगा समझने की जब आप देखिए प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेटर आइडिया परफेक्ट मिल जाएगी अच्छे से। ओके पहला एग्जाम्पल आप क्या देखोगे एक्टिव वाइज पैसिव आई कैन डू दिस वर्क आई कैन डू दिस वर्क एक्टिव इसका क्या कर रहे हो आप पैसिव वाइज कन्वर्ट करोगे तो आपका रूल क्या बोलता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग हो प्लस वर्क दैट कम प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आई कैन डू दिस वर्क का आप क्या लिखोगे ऑब्जेक्ट दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। ओके आई कैन डू दिस वर्क क्या हो गया आपका आई कैन डू दिस वर्क तो आपका रूल क्या फॉर्मूला फॉर्मूला पहले आपका क्या रहेगा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा मतलब मेकिंग पैस हुआ है डूइंग टू दैट टाइम एंड उसके बाद आपका जो मॉडल ऑफ फैक्ट्री वर्क है जो मॉडल ऑफ फैक्ट्री वर्क है वो प्लस मॉडल ऑफ फैक्ट्री वर्क इसके बाद बी वर्क का थर्ड फॉर्म उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है लुक एक्टिव वाइज आई कैन डू दिस वर्क एक चीज क्या आपका सब्जेक्ट है इसके पहले हम मैंने क्या लिखा सब में हेल्पिंग वर्क दिस इज ए मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दिस इज ए वर्ब
दिस इज योर ऑब्जेक्ट. ओके फर्स्ट वन, दिस वर्क कैन बी डन, सॉरी आई कैन डू दिस वर्क. एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन दिया गया है. देन ऑब्जेक्ट आप लिखो, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी. दिस वर्क आप ऑब्जेक्ट लिखो, तो कैन लिखोगे. इसके बाद आपका रूट क्या बोलता है, बी बी बाय थर्ड फॉर्म डन और बी वाई बाई के बाद मी. वर्क थर्ड फॉर्म मैंने बाय में लिखा, देखो रूल में वो चीज आप रूल में बाय इसके बाद ठीक है बी वाई बाई में. हाँ ये देखो ये बाई. सेकंड आपका दिस वुड बी ओबे ऑपरेंड्स ओबे या आवर पेरेंट्स. ओके यू शुड ओबे आवर पेरेंट्स. तो किसका क्या करेगा, आवर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू. ओबे का थर्ड फॉर्म ओबे. देखिए क्या लिखोगे आप, आवर पेरेंट्स should be obeyed by you. आपको मैं सब एक एक करके पूरा एक्टिव को पैसे वाइज कैसे बनाते हैं पूरे सब मैं लेक्चर वाइज आपको बता रहा हूँ, वो चीज आपको थोड़ी देर समझे. एक ही में सब बना के खिचड़ी बन जाएगा, वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से. एक्टिव के सब मैं लेक्चर वाइज बना रहा हूँ, वो चीज आपको थोड़ा ट्रिक से अच्छे से वो चीज समझे. इसलिए मैं फॉर्मुला भी आप लोग को लिख के दे रहा हूँ. ओके यू शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वही रूल आपका, आवर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू. ओके थर्ड वन एक्टिव वाइज पैसिव वाइज. आई मस्ट टू डू दिस वर्क. I must to do this work. Full stop. Likewise, this work. Same process. Answer मत करो. समझ में आ रहा कि नहीं आप लोगों को? This work आपने लिखा. इसके आगे समझ मान लो समझ नहीं आ रहा. Assume करो. This work आप लिखिए. आपका rule क्या बोलता है? Obvious subject plus modal auxiliary. Modal auxiliary क्या है इसमें तो आपको अंदर. Can रहेगा, could रहेगा, will रहेगा, would रहेगा, shall रहेगा, should रहेगा, may रहेगा, might रहेगा, must रहेगा. ये सब आपका क्या है? मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी हुआ पे. दिस वर्क मस्ट लिखो ठीक है, मस्ट आपने लिखा. दिस वर्क मस्ट आपका रूल क्या, बी ऑलवेज टाइम मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में बी का यूज होगा. ये दिस वर्क मस्ट बी वर्क थर्ड फॉर्म डन. वर्क थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन. दिस वर्क मस्ट बी डन, डन के बाद डन टू लेटर क्या आएगा आपका, बी वाई बाय, बाय के बाद आएगा क्यों, क्या होता है मी. दिस वर्क मस्ट बी done by me. Okay, this work must be done by me. Okay, ये आपका सिंपल वे था. अभी आप क्या देखोगे, नेगेटिव. ये सिंपल वे यहां पर बैठे आप कर सकते इसको. ये सिंपल वे का था मॉडल बन जाती हूँ. सिंपल वे का सिंपल है क्या करोगी, ये सब सिंपल. अगर आपको आए कैसे कर सकते हो, आई कैन डू यू, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन टीच यू. इस एग्जाम्पल में आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू. एक्चुअली इसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आई कैन टीच यू आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आई कैन टीच यू बरोबर. तो जो यू है सुंदर आप यू लिखोगे, कैन बी टॉट बाय मी. यू कैन बी टॉट बाय मी. एक्चुअली आई विल डू दिस वर्क, I will do this work. This work will be done by me. I will do this work. Object subject. This work हो गया आपका. Object and subject बना रहे हो ना. This work. Okay. इसके बाद rule क्या बोलता है? Modal for verb. तो आपका will. Will का बाद this work will be. बराबर. I will do. Do मतलब third form. उसका third form लगाओगे. Do तो क्या हो जाएगा? Done हो जाएगा. This work will be done by me.
एक चीज बता रहेगा आपका वो सिंपल सेंटेंस रहेगा। ओके तो कंटिन्यू किया, अभी आप क्या देखोगे न्यूड सेंटेंस। ओके अभी आप क्या देखोगे न्यूड सेंटेंस, आपका था सिंपल सेंटेंस। ओके सिंपल सेंटेंस की ये चीज आपको फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस बी एंड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस बी वाई बाय बाय सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कंफ्यूजन मत हो, आप लोग चाहिए तो नोटबुक ओपन करो, पेन अपने साथ में रखो और एक्यू सब चीज लिख लो अच्छे से, 101% बोलता आपको समझ में आ जाएगा। आप इस चीज को लिख लो एक बार कर लो समझ में आ जाएगा, किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, वैसे आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस ध्यान से इसको पूरा लिख लो समझ लो। ओके तो कंटिन्यू किया, आप अभी आप क्या देखोगे निवड़ निगेटिव। एग्जाम्पल जैसे आपको स्टडी में क्या बना के दिया था, आई कैन डू दिस वर्क, अभी तक क्या लिखो आई कैन नॉट डू दिस वर्क, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। ओके ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, या मैं ए भी दे सकती हूँ या बी दे सकते हो, और दिस इज योर वर्ब नॉट हेल्पिंग वर्ब, ये चीज आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके दिस इज योर ऑब्जेक्ट, देन अब इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, दिस वर्क ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दिस वर्क। ओके मॉडल फ्रैक्चरिंग पंच में आप क्या लगाओगे नॉट का यूज करोगे, नॉट प्लस बी और सब ऐसा रहेगा। ठीक है नेगेटिव सेंटेंस ओनली, नेगेटिव सेंटेंस जब आप एक्टिव को पैसिव वर्ब में कन्वर्ट कर रहे हो एक्टिव, बस उसी समय वो चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके आपका क्या हो जाता है दिस वर्क कैन नॉट या कैन भी दे सकते हैं, कैन नॉट बी डन बाय मी। ओके दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय मी। ओके सेकेंड आपको मैंने क्या बता दिया था, यू शुड ओबेड आवर पेरेंट्स, अच्छा आप इसका ले सकते हो यू should not obey, should not obey our parents। ठीक है उसका क्या लिखो, our parents should not be obeyed by you, कुछ नहीं करेंगे बस सब कुछ है जो आपका प्रोसेस वही रहेगा, जो आपका मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है ना एक्चुअल के अंदर क्या रहेगा could will would एक्सेट्रा विजन देर जो चीज एक्चुअल के अंदर रहेगा, उसके बाद में आप नॉट के बाद बी का यूज करोगे, क्या यूज करोगे बी का यूज करोगे, तो आवर पेरेंट्स आर हियर, आवर पेरेंट्स शुड बी क्या आवर पेरेंट्स, देखो पहले इसका करने का आपका आवर पेरेंट्स आपने लिखा बरोबर समझ आ गया, आवर पेरेंट्स शुड शुड वॉज नॉट है ना, पेरेंट्स शुड नॉट बी, आवर पेरेंट्स शुड नॉट बी obeyed that from obeyed obeyed by you obeyed by you। ठीक है you should not be obey our parents का आप क्या पहले our parents object शब्द लिखोगे, इसके बाद modal auxiliary verb do not yet not, इसके बाद be that form by and subject object you का ई होता है choose की वजह से। ओके अगर आप लोग किसी को जाओगे कमेंट करके आप पूछते भी रह सकते हो, आप पूछ भी सकते हो। ठीक है वैसे अगर आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखो एक बार दो बार नहीं समझ आ तीनों वीडियो देखो आई होप सबको समझ में आ जाएगा। ओके थर्ड वन से थर्ड एग्जांपल मैं कर लेता हूं, दे कुड नॉट टीच मी, they could not teach me, अब को पैसे वाले बना रहे हो ना मी का आई हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आई। ओके अंडरस्टूड, आई कुड नॉट
आई कुड नॉट। देखो अगर आपको बाद में सोचिए सर इतने बता दिए कैन रहेगा फूड रहेगा भी कोई भी चीज रहेगा मॉडल वैल्यू सबका जो आप ऐसा ही करोगे डिफरेंस ओके। आई कुड नॉट बी ई इसका थर्ड फॉर्म डॉट आई कुड नॉट बी डॉट बाय देम बिकॉज देखा देम होता है आई कुड नॉट बी व्हाट। देखो आपका मी आपका ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है ऑब्जेक्ट टीच आपका वर्ब होता है टीच क्या होता है वर्ब होता है ये आपका मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दिस इज योर सब्जेक्ट गेट इट अंडरस्टूड कंफ्यूज मत हो आप लोग हाँ मी क्या एक्चुअली आप आई लिखो आई के बाद कुड नॉट जो रहेगा वही इसके बाद आप बी का यूज करोगे आप करोगे ही बोलता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस नॉट मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक्चुअली आप नॉट जो आपका नेगेटिव सेंटेंस है किसकी वजह से Could not be और वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का क्या होता है डॉट प्लस बी बाई बाई इसके बाद देन आई कुड नॉट बी डॉट बाई देन ठीक है आई कुड नॉट बी डॉट बाय देन आपका फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस मॉडल एंड ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके बाद बी वाई बाई इसका सब्जेक्ट जो एक्चुअली आपका रहेगा वो ऑब्जेक्ट क्योंकि जब एक्टिव जो सब्जेक्ट रहता है आप पैसे वाले बनाते हो तो वो चीज आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है ओके। अभी एक्चुअली ऐसा ही आपको कोई भी अगर मॉडल फैक्टिव आएगा नेगेटिव का सब एक्चुअली आप ऐसे ही करोगे कैन हो कुड हो विल हो वी डू सॉरी कैन रहेगा कुड रहेगा कोई भी रहेगा कैन कुड विल वुड सेल शुड मे माइट मस्ट और एक्सेट्रा एनी वन इज देयर दिस लाइक दैट ओनली होल जस्ट आई कैन डू इट ओके। तो इसकी तरह आप सब कर सकते हो ओके। आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा क्या रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस मस्ट एग्जाम्पल ले लो मस्ट आई स्नेक मस्ट आई किल द स्नेक मस्ट आई किल द स्नेक ओके मस्ट आई किल द स्नेक किल हो सकता है तो क्यों आप क्या करोगे इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा आपका मस्ट का आप पहले क्या लिखोगे मस्ट लिखोगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ओके। से डब्ल्यू एच एम क्या करता वेन सॉरी डल रहता था डू रहता था चेंज होता था लेकिन जो डब्ल्यू एच एम रहता वेन रहता था बीच रहता क्यों वो चीज वही रहता था उसमें कुछ चेंज नहीं करते थे तो क्यों ऐसा ही आपका इसमें भी वही रहेगा हाँ से मैं जैसे आप लोग को बताया गया था डब्ल्यू एच एम कुछ भी रहेगा वेन रहेगा विच रहेगा हाउ मच रहेगा व्हाट रहेगा क्यों वही चीज रहेगा हु रहेगा वही इसमें चेंज नहीं करते ठीक है बस मस्ट द स्नेक लिखोगे मस्ट द स्नेक बी किल्ड बाय मी ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या रहेगा आपका क्या फॉर्मूला देख लो पहले आपको मॉडल ऑफ फर्जीबल लगेगा क्या लगेगा फॉर्मूला रहेगा आपका मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी लिखोगे इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव वॉइस का प्लस बी प्लस वन थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओके। अब तो क्या मस्ट आई किल दिस स्नेक या मस्ट आई किल दिस स्नेक मस्ट दिस स्नेक बी किल्ड बाय मी मस्ट दिस स्नेक बी किल्ड बाय मी ओके। सेकेंड कैन He drive the car. Can he drive the car? ठीक है Can he drive the car? अब कार चला सकता है ड्राइव कर सकता है Can he drive the car का क्या हो जाएगा आपका ये आपका मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है ये आपका सब्जेक्ट रहेगा ये आपका वर्ब रहेगा ये आपका ऑब्जेक्ट हमारा राइट ओके।
तो अब तू भी कंटिन्यू कैसे करेगा? रूल क्या बोलता है? पहले आपका जो मॉडल का फैक्ट्री हुआ है आपको वैसे ही वही लिखो कैन, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। कैन दी कार बी ड्राइविंग हो सकते हैं, कैन दी कार बी ड्राइविंग बाय हिम, कार बी ड्राइविंग बाय हिम, ओके। पहले आप कैन लिखोगे, बाद में ऑब्जेक्ट लिखोगे, इसका बी लिखोगे, ड्राइविंग एंड ड्राइव टू ड्राइविंग बाय हिम, ड्राइव थर्ड फॉर्म ड्राइव 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 ड्रॉ ड्राइव है, ओके। दूसरा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं तो एक बार बोल देता हूं मैं आपको, कैन ही ड्राइव द कार, ठीक है। कैन लिखोगे ऑब्जेक्ट द कार, इसके बाद बी का यूज करोगे, वर्ब थर्ड फॉर्म ड्राइव का ड्राइव एन डिवाइड बाय ई का ही, ओके। थर्ड वन स्टूडेंट क्लॉक बाय दिस शुड आई बाय दिस क्लॉक, याद है शुड आई बाय दिस क्लॉक, शुड आई बाय दिस क्लॉक। तो एक्चुअली आप क्या करोगे, डोंट कंफ्यूज, आप पहले क्या करोगे शुड लिखोगे, आपका रूल यही बोलता है शुड, बराबर। शुड के बाद आप क्या करोगे, आपका ऑब्जेक्ट क्या है दिस क्लॉक, शुड दिस क्लॉक, ठीक है। शुड के बाद दिस क्लॉक का बी व्हाट, शुड दिस क्लॉक बी बॉट बाय मी, बिकॉज शुड लिखा आपने, ध्यान रखो ऑब्जेक्ट के बाद बी का यूज होगा जब आपको, अगर मॉडल ऑफ एक्जिलरी में डिलीवर में स्टार्टिंग जब आपको मॉडल ऑफ एक्जिलरी वर्ब दिया है तो, बट देन जब आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो ड्यूरिंग टू दैट टाइम ओनली शुड दिस क्लॉक बी, और बाय का थर्ड फॉर्म वॉट होता है, वॉट बाय, वॉट के बाद क्या धीरे लिख देता हूं, वॉट बाय आई का मी, वॉट बाय मी क्वेश्चन मार्क, ओके। अगर आपको ऐसा, अगर कोई भी आ गया कैन का विल का वुड का सेल का सुड का मे का माइट का मस्ट का और कैन वन, अच्छा आप ऐसा यूज करोगे से शुड दिस क्लॉक, शुड दिस क्लॉक बी, मतलब आप जो शुड यूज की हो ना शुड स्टार्टिंग में जो आपको दिया है मॉडल ऑफ डिलीवर वही आप यूज करोगे शुड। इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका दिस क्लॉक है वो लिखोगे आप, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी का यूज करोगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई का बॉट, इसका बी वाई बाई वर्ड मी, ओके। शुड दिस क्लॉक बी बॉट बाय मी, ओके। आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा तो पूछ भी सकते हो, ठीक है। आपको एक चीज, जो चीज फॉर्मूला 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 आपको वो चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आप फॉर्मूला फॉर्मूला बेस के ऊपर वो चीज आपको डिपेंड करता है, ओके। और आप लोग को मॉडल फैक्ट्री किसी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। और आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, और जो आपका लेक्चर नंबर 6 था एक्टिव पैसिव वॉइस का, और आज ही आपका जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्टिंग था आज पूरा लेक्चर आपका खलास हो जाता है, समाप्त होते हैं, ओके। और इससे रिलेटेड आपको अगर प्रैक्टिस सेट ट्यूशन में चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको लिए और प्रैक्टिस सेट ट्यूशन बना के दे दूंगा, ओके। और आप लोग को मॉडल फैक्ट्री वर्ग में कोई चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसा मैं आप लोग को जो रूल बता के दिया हूँ, एक्चुअली आप लोग बस उसी के हिसाब से उसी जगह रूल फॉलो करोगे आपको ज्यादा मतलब ट्रबल नहीं होगी ना तो परेशानी होगी किसी चीज की, और चीज आप बहुत आसानी तरीके से तो आराम से भी कर सकते हो, ओके।